أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة التغابن مدنی سورة ہے جی مدینہ میں آئی 18 आयतें हैं इसकी, दो रुकू हैं। 63 सूरतें पढ़ ली आपने, 64वीं सूरत पर हम हैं। युसब्बिहु तस्बीह कर रही है लिल्लाही अल्लाह की माँ, जो कुछ है फिस समावाती आसमानों में, वमा फिल अर्दी और जमीन में, आसमानों जमीन में जो कुछ है अल्लाह की तस्बीह करता है। क्या मतलब है? एक तो अहम बात ये याद रखें कि हर चीज मखलूक है अल्लाह के सामने। हमारे लिए चीजें बेजान है, उसके लिए कुछ बेजान नहीं। लिहाजा वो अल्लाह की बात को, हुक्म को सुनते कबूल करते हैं और अल्लाह सुभान व तआला की हमदो सना भी करते हैं। लिहाजा पत्थर भी मखलूक है, पत्थर में भी जान है। अब तो साइंटिस्ट कहते हैं पत्थर के अंदर भी स्टेशनरी मूवमेंट है, समझ गए? यानी कि पत्थर खुद साकिन है मगर उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी गर्दिश है। पानी के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, इस पर तो बहुत रिसर्च हो रही है। हर चीज मखलूक है जी, हर चीज मखलूक है। तभी तो कयामत के दिन गवाहियां देंगे, जमीन पहाड़। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब कोई अच्छा इंसान मरता है हर चीज गमजदा होती है, यहां तक कि वो जहां रहता था वो इलाका सब सब गमजदा होता है। और जब कोई बुरा इंसान मरता है तो सब खुश होते हैं कि जान छूटी, यहाँ तक कि वो घर, वो जमीन, वो इलाका जिसमें वो रहता था, सब कहते हैं शुक्र है इसके शर से निजात मिली। तो सब जो चीजें हैं ना, सभी गवाह हैं हमारे ऊपर, ये पूरी कायनात गवाह हमारे हर अमल। तो सभी अल्लाह की मखलूक हैं और एक हमारे अलावा सारी मखलूकात फरमा बरदारी, हम इंसान और जिन निकाल देना तो बाकी सारी मखलूकात डेलिबरेटली अल्लाह की फरमा बरदार है। इट्स अनएविटेबल, ये लाजिम है, सब अल्लाह की फरमा बरदार है। हर चीज, कोई नाफरमानी नहीं करती। नाफरमानी करने वाली सरकश दो ही हैं, जिन और इंसान। ये अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि इन्हीं दो को आजाद इरादा दिया गया। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी अहम बात, अल्लाह हमें जिता रहे कि मुझे तुम्हारी तस्बीहात की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि सब्बिह बिहम्दि रब्बिक तो तुम्हारे नफे के लिए कहता हूं, तुम्हारा तस्बीह करना तुम्हें मुझसे करीब करता। अगर मैं तुम्हें कहता हूं वस्तग़फिरहु उससे माफिया मांगो तो तुम्हारे लिए कहता कि तुम्हारी इस्तिग़फार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देती। मुझे जरूरत नहीं है, मेरी तस्बीह तो कायनात की हर चीज कर। अव्वलन तो अल्लाह को उसकी भी जरूरत नहीं है, जो पाक है उसे कोई पाक कहे या ना कहे क्या फर्क पड़ता है। काबे की ही मिसाल ले ले, काबातुल्ला जो है वो एक पाक जगह है। अब चाहे कोई उसको पाक जुबान से कहे या ना कहे, वो तो है ही पाक। तो एक जात की अपनी भी खासियत होती है, यानी कि जैसे हम सब औरतें हैं, हमें कोई औरत कहे या ना कहे हम औरतें ही रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह की जात है ही पाक, कोई पाक ना भी कहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिन्ना ने कहा था ना, गुलाब के फूल को जिस नाम से भी पुकारो रहेगा गुलाब ही। तो वही बात है, अल्लाह सुबहान व तआला को कोई किसी भी तरह अज्यूम कर ले, वो है ही पाक, वो है ही सुबहान। सुबहान रहमान के वजन पर मुबालिगा, सबसे पाक, शदीद पाक। तो अल्लाह को हमारी इबादात की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अल्लाह अकबर कहने से अल्लाह बड़े नहीं हो जाते, हमारे सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक नहीं हो जाते, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह की तारीफ में इजाफा नहीं हो जाता। वो तो है ही हमीद, तो है ही मजीद, वो तो है ही सुबहान। ये सब काम करने से होता क्या है?
हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता। हम जब ये तस्बीहात पढ़ते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते जिक्र में शिरकत के लिए उतरते हैं और वो हमारे साथी बन जाते हैं। तो जिसके साथी फरिश्ते होते हैं उसे शयातीन किडनैप नहीं कर सकते, बहका नहीं सकते, उसकी हिफाजत रहती है। और जिसे दुनिया में फरिश्तों का साथ मिल गया तो आखिरत में तो फरिश्तों के साथ ही खड़ा किया जाएगा। अल्लाह उनके लिए खैर के रस्ते खोलते हैं, मामलात में आसानी आती। तो ये सब हमारे नफे के लिए है, अल्लाह को इससे कुछ हासिल नहीं होता। फिर चाहे वो कुरान की तिलावत हो, चाहे वो नमाजों की पाबंदी हो, और चाहे वो अजकार की कसरत हो, तो सब हमारा नफा, अल्लाह को इसमें से कुछ नहीं मिलता। और ना ही अल्लाह को चाहिए, वो बेनियाज है। लहू उसी के लिए है अलमुल्क बादशाहत, लहुल मुल्क बादशाहत उसी की। ये दुनिया में जो आप शोर शराबा देख रहे हैं ये तो अल्लाह ने आर्जी अख्तियार दिया है, जिस पर इंसान फूला समाया समाता नहीं। और कैसा गंद मचा हुआ है अपने ही मुल्क में देख लें, और वैसे सारी दुनिया में ही मचा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मचा हुआ, हर तरफ ही मचा हुआ, हर तरफ ही खेल कुर्सी का ही है। तो असल बादशाहत अल्लाह की है। कौन आएगा गवर्नमेंट में? जिसे अल्लाह लाएगा। फिर चाहे अल्लाह उसे हमारे लिए एक आसानी का सबब बनाकर लाए, और चाहे अल्लाह उसे हमारी गर्दन पर अजाब की तरह मुसल्लत करे। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ऐसे ही आकर बैठ गया हम पर? नहीं नहीं सजा मिली है, सबको मिली है, इसमें इमरान खान साहब भी शामिल। फिर मुझे कहा जाता है सियासत पे बात क्यों करते हैं? आप सियासत के बगैर जी सकते हैं? और सियासत पर उलमा ने बात नहीं की तभी सियासत यहां तक पहुंची। क्या नारा था इमरान खान साहब का? हम रियासत मदीना कायम करेंगे, हम सब ने उसी पर वोट दिया था। अच्छा, 4 साल गवर्नमेंट रही इमरान खान साहब की, रियासत मदीना का क्या काम हुआ? और जिन्होंने उनका साथ दिया उन्होंने क्वेश्चन किया कि रियासत मदीना कायम क्यों नहीं की? क्वेश्चन तो यही रहा महंगाई को कैसे निपटना है, फुला मामला, दुनिया के मामलात ही लगे रहे ना। किसी एक वोटर ने उठकर ये क्वेश्चन किया कि आपने रियासत मदीना का नाम लिया था, क्या काम किया रियासत मदीना? ये ऐमी रातों रात पाया नहीं पलट गया, ये डंडा पड़ा है अल्लाह की तरफ से, हम सबको पड़ा है क्योंकि हम सब इसमें शरीक हैं। तो बादशाहत अल्लाह की है, देते अल्लाह ही हैं। जो जुल्म में भी आकर जालिम जुल्म के जरिए भी आके बैठ जाते सजा मिलती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब तुम अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे तुम पर वो हाकिम मुसल्लत किए जाएंगे जो जालिम होंगे, वो तुम्हें बददुआएं देंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम उन्हें बुरा भला कहो। यही हो रहा, हम सजा काट रहे हैं अपनी बदमली की, क्योंकि हम अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किसी दर्जे में नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान आते यहाँ मदीना को कायम कर देते, लेकिन कुछ मोटे चलो एक ही काम करते, नमाज ही कायम कर देते। मूसा अलैहिस्सलाम को पहला हुक्म यही मिला था ना कि आप सबसे पहले नमाज कायम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहला काम क्या किया? नमाज कायम की, या तो रियासत मदीना का नाम ना लेते, लिया था तो कम अज़ कम नमाज कायम कर। मैं मानती हूँ सूद के निज़ाम को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, पर्दे पर भी शायद फौरी तौर पर अमल मुश्किल है, हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं, खड़े होकर अल्लाह के लिए काम करो। अगर अल्लाह ने सीट दी है तो हिफाजत भी उसी ने करनी है, और अगर अल्लाह ने नहीं दे दी तो उसने ले लेनी। जो उस काम के लिए खड़े उस काम को खुलकर कर लो। लेकिन बात यह है, चले मैं मानती हूँ तो नमाज पे तो किसी ने इख्तलाफ नहीं करना था, ना कोई फिरकी इख्तलाफ आना था, ना फिरका वाराना इख्तलाफ आना था, कोई चूं भी नहीं कर पाता। कम अज कम नमाज तो कायम करते, कम अज कम हुज्जत तो होती। तो अल्लाह ही जिसे चाहते हैं हुकूमत देते हैं, और जब अल्लाह चाहते हैं ले लेते हैं। बाकी सारे तो ड्रामेबाजी हैं जी, बाकी अल्लाह हमें खोल कर दिखा रहे हैं माजरत के साथ कि हम कितने गंदे हो चुके हैं, क्योंकि ये जो हुक्मरान है ये हमारा ही अक्स है, हम ही में से है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए। तो अल्लाह ये दिखा रहे हैं कि तुम कहते हो मुसलमानों पर रहम हो, ये मुसलमान है, ये किरदार है। इतना झूठ बोलते हैं कि समझ नहीं आती कि एक इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है। एक बयान एक टाइम में देते हैं, दूसरे टाइम दूसरा बयान हो जाता है, तीसरे टाइम तीसरा बयान हो जाता है, और कोई शर्म नहीं आती। जी बिल्कुल, झूठ की वकालत झूठ के साथ। तो ये जब हमारा किरदार है कौमी,
तो फिर किस तरह चीजें ठीक हो सकती हैं? हमें अपने आप को बदलना हो। और याद रखें, हुकूमत अल्लाह की। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमा दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह, तू मालिकुल मुल्क है, जिसे चाहे हुकूमत देता है, जिसे चाहे ले लेता है, जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जलील करता है, खैर तेरे ही हाथ में, और बेशक वो रब हर चीज पर कादिर। लिहाजा आप देख लें, हुकूमत गई हाथ से, मगर अभी तक इज्जत का पलड़ा अल्लाह ने इमरान खान के हक में रखा हो। वजूहात साफ है, करप्शन और करप्शन ना होना, बहुत झूठा होना और झूठ ना होना या कम होना, तो वो जो थोड़ा सा फर्क है उसके बिना पर आप ये फर्क भी देख रहे हैं। तो बहरहाल इस बात से मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि बादशाहते अल्लाह देते हैं। एक तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा तसव्वुर है कि जी पीर फकीर बादशाहते देते हैं, है ना, ये बहुत बड़ी शिरकिया बात है। कोई किसी को हुकूमत नहीं दे सकता, कोई नहीं देता, सब बेकार बात है। अल्लाह है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है ले लेता, और हकीकी मालिक वही है। ये दुनिया में तो उसने हमें बतौरे इम्तिहान हुकूमतें दी है, कयामत के दिन फिर मालिक वही होगा, मालिक ही यौम الدین। वलहुल हम्द, और उसी के लिए हम्द है। हम्द क्या है आप जानते हैं, हम्द है वो तारीफ जो कामलियत के बिना पर, यानी परफेक्शन के बिना पर। परफेक्ट जात अल्लाह की है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, खता से पाक कोई नहीं है, कमी से पाक कोई नहीं है। ऐब के अलावा भी चीजें होती है ना, ऐब तो वो है जो बुराई हो, कमियां भी तो हैं। एक इंसान जो बहुत नेक है, क्या वो बीमार नहीं पड़ता? क्या वो बूढ़ा नहीं होता? क्या उसकी फिजिकल पावर की एक हद नहीं है? काम का नतीजा वो हस्बे मंशा निकाल सकता है? नहीं, कभी कामयाबी होती है, कभी नहीं होती। तो ये सब कमियां हैं ना, कमजोरियां हैं ना। तो ऐब से पाक, हर ऐब से पाक, हर कमजोरी और खामी से पाक जो जात है, जिसको जिस एंगल से भी देख लें, आप तारीफ ही करें, वो सिर्फ अल्लाह के साथ। बाकी आप देख लें, कोई भी है उसमें कोई ना कोई कमी तो नहीं, कहीं ना कहीं तो बात जो है वो साबित करती है कि हम इंसान। तो फिर इंसान जो है वो मुरक्का है, अच्छाई का भी और बुराई का, कमजोरी का भी और ताकत का। तो कोई इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं इंसानी कमजोरी, बशरी तकाजे आते ही, उनसे इंसान मुबर्रा नहीं हो सकता। इंसान जो है बशर, जो हर कमजोरी, हर एक खामी से पाक जात जो है वो सिर्फ एक है, वो है अल्लाह के साथ। तो हम्द के लायक वही, कोई उसकी हम्द करे या ना करे, वो है ही काबिल हम्द। उसकी जब बात होगी किसी तारीफ ही के पहलू से होगी। आप ढूंढ कर दिखा दे, तनकीद का कोई पहलू मिलता नहीं, वैसा है वो रब। वो हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो आज सब कुछ बदल दे, आज नए लोग उतार दे, मगर बात ये है कि टेस्ट तो हमारा हो रहा है। अल्लाह ने सब कुछ खोल कर सामने रख दिया, अब अल्लाह हमें भी तो देखेंगे हम क्या करते हैं। इसी का नाम तो नामा अमल। लिहाजा दुनिया में अल्लाह तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक दुनिया तबाही की तरफ ना बढ़ने लगे, तब तक अल्लाह हमें अख्तियार दिए रखते हैं। तो अभी वो लेवल नहीं आया, लिहाजा अभी काम हमने करना। हुवल्लज़ी, वही रब है जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, फमिनकुम तो तुम में से कुछ है काफिरुन काफिर, वमिनकुम और तुम में से कुछ है मुमिनुन मुमिन। वही रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, तो तुम में से कुछ काफिर है कुछ मुमिन है, यानी कि कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाए और कुछ नहीं इनकार। अब एक तो खुले काफिर हैं, दूसरे वो हैं जो मुसलमान हैं मगर अमल से काफिर। मसलन पैदाइशी मुसलमान हैं, वो तो हर हम सभी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ग्रोह को इंडिकेट करें ना, किसी फेल से, किसी तरीके से। देखिए मुनाफिक
फिर एक कैटेगरी का नाम है ना, आप किसी फेल से उनको, जिनके कॉल और फेल में फर्क है जी, और तफक्कुर की आदत डाला करें, गौर और फिक्र किया करें चीजों को, ताकि आप ना ये रिवायती अल्फाज से आगे बढ़ सके। ये तो रिवायती टर्म है ना मुनाफिक। अच्छा आप मुनाफिक कौन है? क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना। बात ये है कि आज देखो आप सही कह रहे हो, मुनाफिक वो है जिससे कॉल ऑफ फेल में फर्क हो, मगर ये तो रटी रटाई तारीफ है ना। आज की बात करें ना, आज की बात करें, हालात हाजरा की बात करें। एक औरत जो उठकर कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो अल्लाह को नहीं मानती, चाहे वो मुसलमान है। क्योंकि जो अल्लाह को मानता है, जो ये जानता और मानता है कि मुझे मेरे रब ने पैदा किया है, मैं उसकी मलकियत हूँ, वो नहीं ऐसी बात कहता। वो जानता है मैं अपने रब की मखलूक हूँ, उसी की मर्जी चलेगी। एक बंदा जो उठकर कहता है मैं अगर औरत बन के जीना चाहता हूं तो मेरी मर्जी, वो रब को नहीं मानता, वो कहीं रब को नहीं मानता, चाहे लाख सजदे करता हो। क्योंकि अगर वो अल्लाह को रब मानता और ये तस्लीम करता कि मैं उसकी मलकियत हूं, तो जिस रब ने उसे मर्द बनाकर पैदा किया है वो उसको डिनाई ना करता। एक औरत जो औरत है मगर उसके बाद वो कहती है मैं बंदा बन के जीऊंगी, वो किसी लेवल पर मोमिन नहीं है। अगर वो अल्लाह को मानती तो वो अल्लाह की तकसीम को भी मानती कि उसने मुझे दुनिया में औरत बनाया। कुफर सिर्फ अल्लाह को ना मानने का नाम नहीं है, अल्लाह के अहकाम ना मानना भी कुफर है। आपका कोई बच्चा आपको 10 बार कहे तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ है, मगर जब आप काम कहे इनकार कर दे, तो क्या वो आपका फर्मा बरदार करार पाएगा? आप उसे फर्मा बरदार मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, ना फरमान मानेंगे ना। इसी तरह एक बंदा बेशक दिन में 10 बार तस्बीह करता हो ला इलाहा इल्लल्लाह की, लेकिन जब बात आए अमल की तो वो कहे मैं तो वो करूंगा जो मेरी मेरा दिल चाहता है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तो वो नाफरमान है, वो अल्लाह को रब मानने से इनकारी है। अल्लाह को लिप सर्विस नहीं चाहिए, अल्लाह को तो काम चाहिए। बार बार कुरान की बात कहता है, कितनी बार पढ़ा आप तो गिन सकते हैं, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और फिर उन्होंने अपने कामों की इस्लाह कर ली। सॉरी हाथ सिर्फ नेक काम थोड़ी होता है, इस्लाह कर ली अपने कामों की, वो करने लगे जो अल्लाह करने को कहता है, वो छोड़ दिया जिससे अल्लाह ने मना किया। तो जब तक ये कंडीशन नहीं आती, ये सूरत हाल नहीं आती, तब तक सॉरी अल्लाह नहीं मानता। अब इस पैमाने के साथ देखें तो आपको क्लियर नजर आए, इस पैमाने के साथ। तो ईमान लाकर भी, आईडी कार्ड पर मुसलमान लिखवा कर भी, कयामत के दिन के हिसाब अलग होंगे। जो अपनी मर्जी से मर्द औरत बनना चाहते हैं वो तो वैसे कौमे लूत में उठाए जाने वाले कि नहीं, और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी करते हैं खवातीन और मर्द, वो कहां, वो भी कहां हम में शरीक होंगे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा वो उसी में उठाया जाएगा। बस देख लें जो जिसकी मुशाबहत अख्तियार कर रहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है कि जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा वो उसी कौम में से उठाया जाएगा कयामत के लिए। तो बस आपके सामने है सूरत। अब इस पैमाने के ऊपर जवाब जमा जरब तफरीक खुद करें, फॉर्मूला है आपके हाथ में, और मैंने नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोगों गैर कौमों की मुशाबहत से बचो, क्योंकि जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा उसी में से उठाया जाए। तो ये एक रटी रटाई बात को छोड़कर कुरान के फॉर्मूलों को जिंदगी पर इंप्लीमेंट करना शुरू करें, हालात हाजरा पर इंप्लीमेंट करें, तब आपका शऊर बड़ा हो जाए। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह तुम्हारे वो आमाल जो तुम कर रहे हो खुद देखता। असल निगरान तो अल्लाह की ज़ात है, उसकी नजरों से कुछ छुपा हुआ नहीं। ये फाइलें तो बन रही हैं हमारे लिए कयामत के दिन हमारे सामने रखने के लिए। बस यही बता रहे हैं अल्लाह कि ये ना समझो मुझे पता नहीं है तुम क्या करते हो, है ना। वो गालिब कहते हैं, शेर है गालिब का, कहते हैं लिखे जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक,
आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, समझ आई है? शायराना ताली है, क्यों कहते हैं कि फरिश्तों के लिखे हुए अमाल नामे पर हमें सजा मिलेगी। जब अमाल नामा लिखा जा रहा था हमारा भी कोई मौजूद था, है तो शायराना बकवास, लेकिन बात यह है, जी हाँ था, रब था, वो मौजूद था, उसके जेरे निगरानी सब लिखा जा रहा था। और जो कुछ हमने किया उसका सबसे बड़ा गवाह खुद अल्लाह है, वो अल्लाह जो ना बूढ़ा होता है, ना कमजोर, ना बीमार, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊंग आती है, और ना वो भूलता है। माँ कान अरबू का नसीहा, इमाम शाफी रहमा कहते हैं, काफिर के लिए इससे बड़ी धमकी कोई नहीं है और मोमिन के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं है। तुम्हारा रब भूलता नहीं है, नहीं भूलता, वो रब हमारे आमाल पर गवाह। ये तो उसके इंसाफ के तकाजे हैं जो हमारे आमाल नामे मुरतब करा रहा, जो जमीन तक के टुकड़े सामने रखेगा गवाही के लिए, अफराद को बुलाएगा, यहां तक कि फाइनली आजाओं को, आजाए बदन जो है उनको गवाह बनाएगा। ये तो उसके इंसाफ के तकाजे हैं, क्योंकि वो ऐलान फरमा चुका कि मैंने जुल्म हराम किया, तो पूरी कार्रवाई के बाद सजा सुनाई जाएगी, वरना असल में तो वो खुद विटनेस है। तो परेशान ना हुआ करें अगर कभी किसी मामले में आपको झूठा करार दे दिया जाए, फैमिलीज में होता है, समटाइम होता है, तो कौमी सतहों पर भी है, तो बेफिक्र रहे, जो गवाह हकीकी है वो सब जानता है, और एक दिन आएगा तब हर बात का फैसला हो, हर बात का फैसला हो, उस दिन का इंतजार। खलक समावाति वल अर्द बिल हक्की, उसने पैदा किया जमीन और आसमान को एक मकसद के तहत। हक क्या है जी? ट्रूथ, ट्रूथ, सच्चाई, एक मकसद पर पैदा किया है, ऐसे ही नहीं बना दिया उठकर। वो जैसे हिंदू मत में ये कहानी पाई जाती है ना कि इंद्रदेव के बेटे जो थे वो बड़े, इंद्रदेव जो थे बड़े अपसेट रहते थे, और उनके बेटा भी जो कहने लगा कि क्या बोरिंग है सब कुछ, तो रंगमंच बना दिया। फिर जो है क्या है, ब्रह्मा ने समझ गए कि ये दुनिया बना दी, रंगमंच कहते हैं स्टेज को, कि ये दुनिया बना दी ताकि ये चीजें चलती रहें और देवताओं का दिल बहलता रहे। तो इस तरह की बातें की जाती हैं, और भी मजहब कहानियां नहीं, अल्लाह ने दुनिया एक ही मकसद के लिए बनाई। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, दुनिया अल्लाह ने टेस्ट के लिए बनाई। मेरे मियाँ एक अरसा तक सुजुकी वालों के लिए काम करते रहे, सुजुकी मोटर्स, तो मोटर्स के पुर्जे बनते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में। अब वो जो पुर्जे हैं उनको चेक करने की मशीनें बनती, उन्हें टेस्ट रिग्स कहा जाता है। तो गाड़ी में लगाने से पहले उनको चेक किया जाता है, ब्रेक पूरा प्रेशर ले रही है, क्लच पूरा चल रहा है, समझ गए? इस टेस्ट को पास किए बगैर कोई पुर्जा उन गाड़ियों में लग नहीं सकता। तो ये दुनिया हमारी टेस्ट रिग है भाई, कौन जन्नत के लायक है और कौन नहीं, इस इम्तिहान को पास करके ही जन्नत में जाए, ये अल्लाह का प्लान था। लिहाजा अल्लाह सुबहाना व तआला ने ऐलान भी वही फरमाया था, खलीफा, जमीन में मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ, जमीन में, जमीन की नियाबत से फैसला होगा कौन जन्नत के लायक है कौन नहीं। तो ये अल्लाह सुबहाना व तआला का अजीम शान प्लान, उस प्लान के तहत ये कायनात तख्लीक हुई जमीन और आसमान पर। ये कोई हादसा नहीं है अकॉर्डिंग टू द साइंस, बिग बैंग, बिग बैंग हुआ जरूर लेकिन हादसे के तौर पर नहीं हुआ, इट वॉज अ प्लान। और ऑन द अदर हैंड, जिस तरह ये हिंदू मत की कहानी है और जो कहानियां हैं ग्रीक मिथोलॉजी वगैरह की, कि बस दुनिया जो है वो बना दी खेल तमाशे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, नहीं, अल्लाह कहते हैं, पढ़ा है सूरह रात में, कि अगर हमने दुनिया दिल लगी के लिए बनाई होती तो अपने करीब बनाते, पढ़ा है ना, दुनिया खेल तमाशा नहीं है, ये इम्तिहानी सेंटर है, जो यहां से पास होगा जन्नत में जाएगा, जो यहाँ फेल होगा वो जहन्नम में जाएगा। चॉइस विल बी योर्स। वह सौवारकुम, सूरत बनाई तुम्हारी, फअहसना सौवारकुम, और कैसी अच्छी सूरतें बनाई उसने, तुम्हें शक्लें दी, तुम्हारी सूरतें बनाई, और फिर अल्लाह खुद ही कहते हैं कैसी खूबसूरत सूरतें बनाई, देख लेना इंसान कितना प्यारा है। और इंसान ही क्या, जो भी मखलूक है आप देखिए अल्लाह ने कितनी प्यारी बनाई, हर मखलूक को देखें उसका अपना एक बैलेंस है, और इंसानों को आप देखें, सब इंसानों के वही
एक नाक दो आंखें दो कान दो होंठ, मगर हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ और हर कोई हसीन है। कौन हसीन नहीं है जी, सभी हसीन। आप देखें जी, बच्चे पैदा होते हैं तो आप उनकी उस वक्त की कंडीशन ही देखें, कितने छोटे छोटे जोड़ और कितनी बारीक वरीदें होती हैं जो अल्लाह ने बनाई है, वो ही बना सकता है, वो खालिक है, वो खालिक, उसकी मेहरबानी है। और हमें, हमने शुक्रिया है ना, अच्छी खासी शक्ल पर सारी उम्र हम वाइटनिंग क्रीम में मलते रहते हैं, होता कुछ फिर भी कुछ नहीं है। आपने नोटिस किया कोहे सुलेमान जब हम गए हैं, कितनी धूप है सब, तो औरतें जो सफेद हैं वो सफेद ही है, जैसे रोजीना थी कितनी माशाल्लाह, हालांकि ना उन बेचारों को साबुन मिलता है ना उनके पास पानी है, मिट्टी में बैठे हुए हैं, धूप उनके ऊपर बरस रही है, लेकिन अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया वो वैसे ही। और मैं जेन्युइनली सोच रही थी कि अगर उस बच्ची को वो सहूलतें मैसर हो जो हमें मैसर है तो वो तो मलका हुसन बन सकती है। तो बात क्या है, बात यह है कि अल्लाह ने जिसे जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा, और अल्लाह ने सबको ही हसीन बनाया, परफेक्शन किसी के लिए नहीं। किसी की आंखें छोटी हैं, किसी के बाल कम हैं, किसी के बाल ज्यादा हैं, किसी का रंग थोड़ा सा गहरा है, तो भाई दुनिया में अल्लाह सुबहाना तआला ने सबको किसी ना किसी चीज से कमी में रखा है ताकि हम इंसान बन के रहे। फिरौन बने हुए हैं, फिरौन बने, हर कोई फिरौन है जी अपनी जगह पर, अल्लाह माफ कर दे। अब इसके अंदर एक बात ये याद रखिए कि दुनिया की ये हुस्न, ये खूबसूरती, ये दुनिया के लिए है बस, इतनी इतना आपको अच्छा होना चाहिए कि आप लोगों में नॉर्मल जी सके, बाकी असल तो जन्नत में मिलने वाला है, हुस्न भी तो जन्नत में मिलेगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर एक जन्नती औरत अपना हाथ बाहर निकाल दे तो सूरज गहना जाए, सूरज की रोशनी मान पड़ जाए, तो वो हुसन पर, हुसन भी जन्नत में मिलेगा। यहाँ तो दिल की फिक्र करें, दिल हसीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला ने कभी कुरान में ये नहीं कहा कि जो सब तो सोना मेरे को लाएगा मैं बख्श दियांगा, हाँ अल्लाह ने कहा जो मेरे पास लाएगा कल्बे सलीम उसे बख्श दूंगा। तो दुनिया में दिल की फिक्र करें, बाकी चीजों के पीछे इतना बेवकूफ होकर पड़ जाना बेवकूफी की बात है, बहुत बेवकूफी की बात है। अल्लाह ने जिसे जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया, पहले पता है क्या, ये प्रोसेस होता, एक प्रोसेस होता है चीजों को डीह्यूमनिटाइज करने का, लोगों की नजरों में किसी चीज की कदर गिराने का। जैसे आपको अगर याद हो तो 60s 70s की जो फिल्में बनती थी वो ससुराल पे बनती थी, है ना, सास जालिम, ससुर जालिम, शोहर जालिम, तो ससुराल को, शादी को लोगों की नजरों में गिराया गया। कहानियां भी यही होती थी, अगर उस वक्त आपको मैगजीन कभी याद हो जो पाकीज़ा वगैरह कभी पुराने आपने पढ़े हो देखे हो, उनमें कहानियां भी यही आती थी। अच्छा, इसी तरह से पहले एक डिससेटिस्फेक्शन पैदा की गई ये वाइटनिंग क्रीम्स के जरिए, है ना। अच्छा, जो गोरे हैं उन बेचारों को टैन होने का मसला है, उनका उस तरह मतलब ये कि हर किसी को रेस की प्रॉब्लम है ना, उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा किया गया कि तुम अच्छे नजर नहीं आते, ठीक है, जैसे बालों बॉडी पर रुआ है तो भाई वो करो, वैक्स करो, हर तरह से, बाल घुंघरियाले हैं तो स्ट्रेट करो, स्ट्रेट हैं तो घुंघर डालो, मतलब ये बताया गया कि तुम जो बने हो ना, जो तुम्हारी फॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं है, अपने आप को बेहतर करो। एहसास कमतरी हर बंदे के अंदर पैदा किया गया, हम यहाँ गोरे होने के लिए मरे जा रहे हैं, गोरे काले होने के लिए मरे जा रहे हैं, सबको, हाँ सबको मुसीबत में डाल। अब वहां से बात आगे बढ़ी और यहाँ पर आई कि जी नाक अच्छा नहीं, होंठ अच्छे नहीं, प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए, ये सब चल पड़ा। अच्छा, उससे अब आगे आए, एक स्टेप और फॉरवर्ड हुआ, तो मसला ये बना, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बना दिया, मैं तो मर्द बनना चाहती थी, मुझे अल्लाह ने मर्द क्यों बना दिया, मैं तो औरत बनना चाहती थी, मुझे अल्लाह ने मर्द या औरत क्यों बना दिया, मैं तो मर्द औरत दोनों रहना चाहती थी,
बाइसेक्सुअल भी है ना बीच में, ये वो डिससेटिस्फेक्शन जो शुरू हुई ना वो बढ़ती गई, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन का कोई इलाज नहीं। जैसे बच्चों को अगर हम मना ना करें, आप बच्चों को जितने खिलौने ले दें, आज तक किसी बच्चे ने कहा है काफी है? कभी कहा? अभी लास्ट वीक जाने से पहले बच्चों ने जिद की कि हमें कुछ लेके दो, तो मैं ले गई, तो इन्होंने एक एक दो दो चीजें ले ली जो जो लेनी थी। तो उमामा मरियम जिद पड़ कर रही थी तीन बड़ी चीजों के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं आप दो चूज करो, उसने कर ली। घर आ गए, घर आके अब बाकी चीजें रखकर तो रोना शुरू कर दी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? कहती है आपने मुझे वो फिश नहीं ना लेकर दी। मैंने कहा अगर तुमने ड्रामा किया ना मेरे साथ, मैं ये भी अभी वापस कर रहा हूँ। यानी वो बच्चे हैं, मगर मकसद ये है कि बच्चों को आप जो चीजें लेकर दें, ये आपने भी देखा होगा बच्चे घर आते हैं तो कहते हैं वो ये तो ले दिया, वो नहीं लेके दिया। ये है डिससेटिस्फेक्शन। इसका हल सिर्फ एक है, वो है कनाज, जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसके सिवा कोई हल नहीं। ख्वाहिशात का एंड क्या है? कोई एंड नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के एक हाथ में सोने की वादी हो तो वो चाहेगा मुझे एक वादी और मिल जाए। इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा कुछ नहीं भर सकता, ये ख्वाहिशात का एंड नहीं है। लिहाजा आप अपने आप को देखें, कभी ऐसा हुआ कि कोई खूबसूरत जोड़ा देखें और आप ये सोचे कि मेरे पास इतने, मैंने नहीं बनाना? दिल तो फौरन चाहता है ना, वो हम अकल से रोकते हैं अपने आप को, या तो बजट की वजह से और या फिर अल्लाह के खौफ की वजह से, इट डिपेंड्स। लेकिन बात यह है कि जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कितना अच्छा जोड़ा मैं बना दूं। कभी ऐसा हो कि ख्वाहिश पैदा ना हुई हो? ख्वाहिश पैदा होती है। तो ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं, ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं। तो क्या किया करना चाहिए ख्वाहिशात के? हमें कनात का दामन पकड़ना चाहिए। कनात, कनात क्या है? मेरे रब ने मुझे जो दिया है वो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में गिना कनात का नाम, वरना तो कोई एंड है ही नहीं। तो ये जो सोच पैदा की गई, ये तौरात के भी अगेंस्ट है, ये बाइबल के भी अगेंस्ट है, इवन ये हिंदू मत के भी अगेंस्ट है। आपको पता है हिंदू मत में भी जो है औरत मर्द के ताल्लुकात तो जाहिर हैं, नॉर्मल हैं, उसमें कुछ बातें गलत भी हैं, लेकिन मर्द का मर्द से औरत का औरत से ताल्लुक हिंदू मत में भी हराम है। ये किसी भी दुनिया के मजहब से मैच नहीं करता, किसी से भी मैच नहीं करता। और उसके बावजूद ये दुनिया में राइज हो रहा है, आगाज यहीं से हुआ। सबसे पहले ये सोच पैदा की गई कि हम वैसे नहीं जैसे हम दिखना चाहते हैं, फिर हम वैसे नहीं जैसे हम रहना चाहते हैं। तो पहले कदम पर ही हमें खुश होना चाहिए, जैसा अल्लाह ने बनाया बहुत अच्छा बना। वह इलैहि मसीर, और लौटना भी उसी की तरफ, सबका लौटना उसी की तरफ, अल्लाह सुबहाना तआला के पास वापस जाना है, उस वापसी की तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब हम जाएं और वो हमसे जरूर पूछेगा क्या करके आए हो, तो फिर कुछ तो किया जिसे हम पेश कर सकेंगे, अल्लाह जी ये हम करके आए हैं, ये टारगेट हमने अचीव किया। यालमु, वो जानता है, मा फिस समावाति वल अर्दि, जो आसमान और जमीन में है। वह यालमु, वो जानता है, मा तुसिरूना, जो तुम छुपाते हो, मा तुलिनून, जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह जानता है आसमान और जमीन में जो कुछ है, और वो जानता है जो तुम छुपाते जो दिखाते हो। साफ बात है कि उसे हर बात पता है और उससे कोई चीज राज में नहीं रह सकती। वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, जो नीयतें हैं वो जानता है, किस नीयत से कौन काम कर रहा है, किसका क्या इरादा है, उसे सब पता है। अलम, क्या नहीं यातीकुम, आई तुम्हारे पास, नबा खबर, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो काफिर थे, मिन कब्लु, तुमसे पहले, क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले काफिरों की खबर नहीं आई? पजाकू, चखा उन्होंने, वबाल अम्रिहिम, अपने कामों का अंजाम, वला हुम, उनके लिए आजाब उन अलीम, दर्दनाक अजाब। सादा सा सवाल, तुम इनकार कर रहे हो, कुफर कर रहे हो, जो तुमसे पहले काफी गुजरे, उनका हाल नहीं देखा तुमने, उनके बारे में नहीं सुना? कौम आद का क्या हुआ, कौम समूद का क्या हुआ, सबा वालों का क्या हुआ, फिरौन की कौम का क्या हुआ, देखा नहीं, उनके आसार नहीं देखे? और उसके बाद आ जाएं जो हमारी तहजीबें हैं, आप देखें मुसलमानों के जो जो गुरु गुमराह होते गए, स्पेन को देखिए, उंदलस का क्या हुआ,
बगदाद का क्या हुआ, अब्बासी खिलाफत का क्या हुआ अंजाम, मुगलों का क्या हुआ? क्या ये चीजें जगाने के लिए काफी नहीं है? तो जो पहलों का हाल हुआ नाफरमानी की वजह से, तुम्हारा भी वही होगा। जो नाफरमानियां की उसकी सजा पाई उन्होंने, और दुनिया में सजा पाई नाफरमानी की, और आखिरत में उनके लिए अजाबे अलीम है। तुम किस धोखे में बैठे हो, तुम्हें क्यों सजा नहीं मिलेगी? जालिका भी अन्ना हूं, उन्हें ये सजा मिली इसलिए कि थे वो, कानत सारे के सारे थे, ताती हिम आई उनके पास, रुसुलहुम उनके रसूल, बिल बय्यिनाती रोशन दलीलें लेकर, उन्हें ये सजा मिली क्योंकि उनके पास उनके रसूल आए थे रोशन दलीलें लेकर। फकालु वो कहते, अबशरुन क्या एक इंसान यहदूनना हिदायत देंगे हमें, अब इंसान ही आकर हमें हिदायत का रास्ता दिखाएंगे। फकफर उन्होंने इनकार कर दिया, वतवल्लव मुंह मोड़ लिया, वस्तग़नल्लाह तो अल्लाह उनसे बेपरवाह हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह का छोड़ देना सबसे बड़ी सजा है जी। जब अल्लाह हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है फिर तबाही से हम बच नहीं सकते। सादी सी बात बताई अल्लाह ने, जब उनके पास रसूल आए, रसूलों ने उन्हें दावत दीन दी, तो वो कहने लगे अब इंसान ही हमें रहनुमाई फराहम करेंगे, यानी कि हमें नहीं चाहिए रिसालत, हमें नहीं चाहिए नबूवत, हमें नहीं चाहिए वही। उन्होंने इनकार कर दिया, ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह कहते हैं मैंने उन्हें क्या सजा दी? एक्चुअली अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी, अल्लाह ने बस छोड़ दिया। जब अल्लाह ने छोड़ दिया तो गुमराह हो गए। अच्छा, पहली कौमों ने तो रसूलों का इनकार कर दिया, हमारा मसला क्या है, हम क्यों गुमराह हो रहे हैं? क्योंकि हम भी तो अपने रसूल का इनकार कर रहे हैं ना। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान में ये कानून पास हुआ कि एक बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता 18 साल से पहले, तो क्या ये कानून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं है? इनकार है। जब ये कानून पास हुआ कि कोई मर्द बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, सकता करेगा तो सजा पाएगा, क्या ये कानून अल्लाह और रसूल का इनकार नहीं है? अच्छा, सूद को जब हलाल किया गया हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में सारा, तो क्या ये अल्लाह का इनकार नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं है? जब बेपर्दगी अलाउ की गई, आम हो गई हमारे घरों में, तो हुकूमत तो क्या इंडिविजुअल लेवल पर हमने अल्लाह और रसूल का इनकार नहीं कर दिया? कर दिया। और जब हमने अपने यहाँ म्यूजिक नाच गाना सब हलाल कर दिया, तो क्या हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं कर दिया इंडिविजुअल लेवल पर? हुकूमत तो जो कार्य है तो दफा करो ना, अपने अपने मोबाइलों में तो हम खुद ही चलाते और देखते हैं ना, तो हम सभी इनकारी, हम सभी काफी हैं किसी ना किसी लेवल में। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब ये ट्रांसजेंडर लॉ को जो पास किया गया, तो क्या ये कुफर की अलामत नहीं? खाली नाम फातिमा ज़ैनब रख लेने से थोड़ी मामला हल होता है, वो तो इस्लाम से पहले भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला नहीं था? फिर खाली नाम रख लेने से मसले हल हो जाएं तो दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए? मसला नाम का नहीं है, मसला आपके काम का, मसला आपके शऊर का। इस्लाम तो अमल मांगता है। और बिल्कुल संजीदा बात यह है कि जैसे इस्लाम आज राइज है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इस्लाम की इजाजत देते तो अबू जहल भी मुसलमान हो जाता, अबू लहब भी मुसलमान हो जाता, अब्दुल्ला बिन उबई भी मुसलमान हो जाता। भाई मुनाफिक का ठप्पा ना लगता उसके ऊपर। लेकिन ये जो इस्लाम है अल्लाह इसको नहीं मानता। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्मी काफ्फा, ऐ ईमान वालों पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, वला तत्तबी खुतुवाती शयातीन, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, इस्लाम लाने के बाद शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। तो ये सोचना होगा। तो अल्लाह कहते हैं जब लोगों ने कुफर किया तो अल्लाह उनसे बेनियाज हो गया, अल्लाह ने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। एक ड्राइवर अगर ड्राइविंग सीट को छोड़ दे तो गाड़ी तो जाकर टकराएगी ना कहीं ना, तो हमारा असल ड्राइवर तो अल्लाह है। जब अल्लाह हमें छोड़ देता है माज़अल्लाह, तो फिर तबाही तय है। अल्लाह ना करे कि कभी हम इस नहज पर आए कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमें हमारे हाल पे छोड़। गिना उसी को जेब देती है, हम तो हर कदम पर उसके मोहताज। वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह बेनियाज है और काफिले काबिले तारीफ है, यानी अल्लाह सुबहाना व तआला बेनियाज है, उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है, हम मोहताज हैं। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु गनीयुन अनिल आलमीन, ए इंसानो तुम हो अल्लाह के मोहताज, अल्लाह तो तमाम जहान वालों से बेनियाज है। और अल्लाह को तारीफ भी नहीं चाहिए, वो है ही काबिल तारीफ। ज़ामल्लज़ीना कफरू, दावा किया काफिरों ने, अल्लन युबअसु, के हरगिज ना वो उठाए जाएंगे। यानी काफिर कहते थे ना कुफारे मक्का कि हम कयामत के दिन उठाए नहीं जाएंगे, ज्यादातर लोग तो मानते हैं,
यानी यहूद तो मानते हैं, अहले किताब सभी, ईसाई भी मानते हैं, हिंदुओं में भी लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर है, अगर उन्होंने उसे बिगाड़ दिया है। कुफारे मक्का नहीं मानते थे, कुफारे मक्का कहते थे मरकर खत्म हो गए, दोबारा कोई नहीं उठाया जाए, ऐसा गिरोह अभी भी छोटे मोटे मौजूद हैं। तो अल्लाह कहते हैं, काफिर कहते हैं हम दोबारा कभी नहीं उठाए जाएंगे। कुल कहिए, बला क्यों नहीं, व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतुब असुन्ना, जरूर तुम उठाए जाओगे, सुम्मा फिर, लतु नब्बी उन्ना, जरूर बताए जाओगे, बिमा आमिल तुम, तुम्हारे आमाल के बारे में। आप अल्लाह फरमा रहे, कह दीजिए क्यों नहीं, मुझे मेरे रब की कसम तुम सब जरूर उठाए जाओगे और फिर तुम्हें तुम्हारे आमाल के बारे में आगाह किया जाएगा कि क्या करतूत करके आए हो। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये बात अल्लाह पर बेहद आसान है, बेहद आसान। क्या है आसान? अल्लाह पर दोबारा उठाना और सजा दे। तो फिर क्या करें इस दिन से बचने के लिए? फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर, ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूल पर, इस नूर पर, अल्लज़ी अंज़लना, जो हमने उतार दिया। क्या उतारा जी अल्लाह ने? नूर, कुरान मजीद। अल्लाह कहते हैं ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और इस नूर पर जो हमने उतार दिया, रोशनी कुरान मजीद। इनको एक्सेप्ट कर लो, अल्लाह की बात मानो, नबी की पैरवी करो और कुरान पर अमल करो। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है, यानी जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम जन्नतें पाओ। कोई तुम्हारे काम को एक्सेप्ट नहीं करता, हो सकता है ना, हजरत लूत अलैहि सलाम के काम को किसने एक्सेप्ट किया? कितने ही नबी हैं, हम उनके नाम भी नहीं जानते, मगर उनका अजर तो कम नहीं हुआ, अल्लाह जानता है। मैं पहले ही आपसे बात अर्ज कर चुकी कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस महाज पर जाते थे फतह होती थी, अकेले जाते थे, लश्कर लेके जाते थे, किसी लश्करी का नाम बताएं? नहीं आता ना, हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है किसने किस महाज पर क्या खिदमत सर अंजाम दी, वो जानता। उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना बेहतरीन जमाना था, बहुत दीन का काम हुआ। क्या उमर ने अकेले कर लिया? नहीं, पूरी टीम थी ना। हम चंद एक सहाबा किसी किसी का नाम भी नहीं जानते, वो जानता है, उसने हिसाब रखा हो, सबको उसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह यही कह रहे हैं, तुम दीन पर अमल करो, मुझ पर ईमान लाओ, मेरे नबियों पर ईमान लाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, कुरान पर अमल करो। अब उसके तुम्हें रिवार्ड नहीं मिलता, तुम्हें अजर नहीं मिलता, तुम्हें कामयाबी दुनिया में नहीं मिलती, डोंट टेक टेंशन, सारा हिसाब मेरे पास, मैं गवाह हूं, मैं मदद करूं, मैं मदद और तुम्हारे अमाल से बाखबर हूँ, अजर भी मैं दूंगा। अजर किसने देना? अल्लाह ने देना है, तो अल्लाह का जानना काफी है, किसी और को बताकर क्या कर करने कुछ किसी को बताकर। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगी, जो वाटर प्लांट हमने लगाया है, सबके पैसे है ना बीच में, मेरे पास तो हिसाब नहीं किसके कितने पैसे है ना, 500 रुपए से लेकर 2-2 लाख तक पैसे आए, तो मैंने तो कोई हिसाब नहीं रखा, कोई लेजर नहीं रखा, लेजर उसके यहाँ बना हुआ, उसको पता है किससे कितने डाले हैं और किस हालत में डाले। हो सकता है जिससे 2 लाख डाले उससे बड़ी, उसके लिए 2 लाख कोई अमाउंट नहीं थी, और जिससे 500 डाले उसके लिए 500 बड़ी अमाउंट थी। तो किसका कितना पैसा है और किसके तकवे का लेवल क्या है, उसे कितना अजर मिलना चाहिए, ये सारा हिसाब उसके पास लिखा हुआ। वकफा बिल्लाही हसीबा, हिसाब करने को तेरा अल्लाह काफी। यही अल्लाह यहाँ कह रहे हैं, चुपचाप कुरान पर अमल करो, नबी को फॉलो करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ईमान लाओ और अपनी जिंदगी सीधे सीधे गुजार लो। मैं तुम्हारे अमाल खुद देख रहा हूं, तुम्हारा अजर तुम्हें खुद दूंगा, कोई तुम्हारा अजर मार नहीं सकता। तो बस अल्लाह की नसीहत को दामन से बांध दे और चले उसी राह पर जिस पर अल्लाह हमें बुला रहा है, क्योंकि यही रास्ता है जो गालिब है और यही रास्ता है जो काबिले तारीफ। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमा दे, आमीन। जी कोई सवाल पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे, चलिए कल इंशाल्लाह यहीं से आगे पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।